भगवा का संबंध न कभी आतंकवाद से था, न है न होगा, क्योंकि हमारी जड़ें अहिंसा में हैं, हमारी जड़ें विश्व बंधुत्व में हैं। इसलिए ये आतंकवाद का कलंक कोई भी हिंदू धर्म पर या भगवा पर लगाना चाहता है तो उसको खुद मुँह की खानी पड़ेगी। और मैं तो पूरी दुनिया के इस्लाम के जो बड़े लोग हैं उनसे भी आह्वान करूँगा कि जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में जो एक कट्टरवाद की कोई एक ऑर्गेनाइज तौर पर आगे बढ़ा रहा है उसको भी जल्दी से जल्द ध्वस्त करना चाहिए, नहीं तो ये ख़त्म नहीं हुआ तो इस्लाम भी उससे खतरे में आ जाएगा। इस्लाम को खतरा दूसरे मजहबों से नहीं है, इस्लाम को खतरा जो उसके भीतर के जो आतंकवादी सोच के जो कट्टरवादी लोग हैं उन्हीं से। राजनीति में व्यक्तिगत आरोपों से परस्पर बचना चाहिए, अपनी नीतियों की, अपनी नियत की, अपने नेतृत्व की और अपने सिद्धांतों के आदर्शों के साथ इस देश के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन है और आगे इस देश को प्रगति के पथ पर आगे चलाने के लिए उनके पास क्या योजना है, इनकी बातें करनी चाहिए, ऊँची बातें करना अच्छा नहीं है। निकिता बेटी से लेकर के और जिस प्रकार से ये निशंस हत्याओं का एक दौर चल रहा है लव जिहाद के नाम पर, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस्लाम के सभी बड़े मुल्ला मौलवियों मौलानाओं से लेकर के जिम्मेदार लोगों को इसको की खिलाफत करनी चाहिए और कोई भी गुंडा, कोई भी एक शैतान हैवान व्यक्ति इस तरह से कोई हरकत न कर पाए, ऐसी भारत में कठोर कानून व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसे दरिंदों को जल्दी से जल्द खुलेआम, मैं तो कहता हूँ सरेआम उनको चौराहों पर लगने चाहिए, जिससे कि कोई ऐसे माँ बहन बेटियों के साथ इस तरह की दरिंदगी न कर पाए। तो बहुत ही शर्मनाक है और कलंक है भारत माता के माथे पर कि ऐसे पब्लिक के बीच में सड़कों में जहाँ हजारों लोग वहाँ पर हैं और उनके बीच में कोई मार करके किसी बेटी को कि आप यदि मजहब नहीं बदलेंगे तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये तो एकदम दरिंदगी की पराकाष्ठा है।